क्वेश्चन 9 देखिए, इसमें हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स इक्वल गिवन है हमें ए sec थीटा और वाई इक्वल गिवन है हमें बी tan थीटा। ओके, तो देखिए इस एक्स इक्वल हमें क्या गिवन है, ए sec थीटा और वाई इक्वल हमें गिवन है बी tan थीटा। ओके, इनका हाँ मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं सॉरी थीटा करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थीटा में दोनों टर्म, तो थीटा में मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, डी अपॉन डी थीटा एक्स इक्वल ए हमारा कॉन्स्टेंट है तो बाहर एज इट इज रखेंगे हम, डी अपॉन डी थीटा सेक थीटा। ओके, यहाँ पर भी डी अपॉन डी थीटा y इक्वल b एज इट इज रहेगा हमारा d अपॉन डी थीटा tan थीटा। ओके, x का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल a sec थीटा का क्या हो जाएगा हमारा sec थीटा इंटू tan थीटा। ओके, यही डिफरेंशिएट होगा। यहाँ पर देखिए y का dy अपॉन डी थीटा, बी कोस्टेंट एज इट इज टेन थीटा का क्या हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा। ओके, थीटा का क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वन हो जाएगा, यहाँ पर भी वन होगा। ओके, तो हमें dy वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, dy वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है हमारी, dx एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है। अगर मैं dy वाई अपॉन डी थीटा की टर्म को dx एक्स अपॉन डी थीटा की टर्म से डिवाइड करा दूँ तो हमें dy वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, देखिए dy अपॉन डी थीटा डिवाइड करा देता हूँ मैं dx अपॉन डी थीटा से। ओके, तो हमें यहाँ पर dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारी b sec स्क्वायर थीटा, और इसके डिवाइड में क्या है a dx अपॉन डी थीटा की टर्म a sec थीटा इंटू tan थीटा। ओके, देखिए ये sec थीटा है और ऊपर sec स्क्वायर थीटा है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर d थीटा से ये d थीटा कैंसिल हो रहा है तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है dy अपॉन dx, यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा dy अपॉन dx इक्वल b, ये हमारा क्या है sec थीटा, तो sec x क्या होता है हमारा 1 अपॉन cos x। ओके, तो इसको मैं थीटा लिख देता हूँ, यहाँ पर थीटा के लिए क्या होगा ये हमारा b by 1 अपॉन cos थीटा, और इसके डिवाइड में क्या है a एज इट इज रहेगा, tan थीटा क्या होता है हमारा sin थीटा by cos थीटा। ओके, ये हमारा cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है b by a और इंटू बच रहा है 1 अपॉन sin थीटा। ओके, यही बच रहा है, वन अपॉन साइन क्या होता है हमारा वन अपॉन साइन एक्स होता है हमारा कोसेक एक्स। ओके, तो यहाँ पर थीटा है तो थीटा के लिए लिख देते हैं बी बाई ए कोसेक थीटा। ओके, तो हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स की हमें क्या वैल्यू मिल रही है बी बाई ए कोसेक थीटा। ओके, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।